जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में CDO अनुज सिंह, DDO बब्बन उपाध्याय, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव, दिव्यांग कल्याण अधिकारी मीनू सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इंसेफ्लाइटिस से किए जा रहे बचाव, विधवा, दिव्यांग पेंशन और DF सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की क्रमवार समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने कार्यों में तेजी लाएं। DM ने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन के विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, जिससे वे उसका लाभ उठा सकें। बाकी जितने लोग रह गए हैं, ट्रेनिंग की क्या स्थिति है? जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, संस्था है जो आप लोग यही रोज जाकर के जो कौन सी जगह साइट में काम हो रहा वहाँ फोटो खींचेगा, डिटेल इसके सर्वर में आ जाता है। आप लोग भी दे सकते हैं, आपने यही काम करवाए कि नहीं? रोज क्या प्रगति है, उसमें वित्तीय और भौतिक प्रगति, वो सारे काम का फील होता है। ट्रेनिंग खुला तो हुआ है, पता नहीं किसी को जानकारी, किसी को भी जानकारी नहीं है, पासवर्ड नहीं मिला है। इनसे तो थोड़ा बहुत तो दिखता है, मीटिंग में काम तो करते हैं, चलिए तो लगता है तो बना लेते हैं। पर देखिए, आपका यही जेई तब तक फील्ड में नहीं दौड़ता है, काम समय से नहीं हो पाएगा, क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। आप तो भी बनवा रहा हूँ कलेक्ट्रेट में, लेकिन रोज़ाना जो काम जो प्रगति में होता है, किसी भी समय आप निकल के आपके सामने आ सकता है फोटो सही कि क्या प्रगति है। आज तो फर्श लग गया है, छत पड़ गया है, सारे चीज़ जो है ये सारे चीज़ डेली आप मार्क कर सकते हैं। यही तो मिलेगा, नहीं जाता तो ठीक है, आप लोग आप उसको हो सकता है वो दूसरे काम में लगा दिए होंगे, बट उसको भी फील्ड करा दीजिए। इतने लोग फील्ड में, वो हर कर्मचारी का फोटो आ जाता है, आपने पूरा डिटेल आ जाता है, कहीं फोटो खींचता है तो वहाँ से लैपलॉन्ग ले लेता है, इसलिए तो उनको फिजिकली जाना होगा, फिजिकली फोटो खींचना होता है। अब उस पर आप मॉनिटर कर सकते हैं, यही जेई में भी प्रोग्रेस देख सकते हैं कौन कौन का। फिर देखिए, हमें आते हुए काफ़ी कमी हो गया है, चेतावनी का कोई चेतावनी का मतलब ही नहीं रह जाता। अब 10 बजे आप और आपका अधीनस्थ कर्मचारी रहना, आपको इंश्योर करना होगा, ऐसे रुपा करिए जो भी आप उसको कड़ाई से इंश्योर करिए। यदि तो छुट्टी है नहीं है तो फिर ठीक है, उससे पहले आप उसको स्वीकृति करके आपको फाइल में रखिए। जो पूरा यहाँ जो जनपद में 3 अधिकारी हमने नामित किया हूँ, रोजाना जा करके केवल हाजिरी चेक करने के लिए उनके काम वाइंग चेक करेंगे, हर महीने में रैंडमली पिक करके किसी को भी भेज सकता हूँ। इसलिए तो आगे यार आप चेतावनी नहीं दूंगा, कठोर कार्रवाई होगा, टंका इंजन नहीं रुकेगा तो फिर अगले दिन से चालू होगा, नहीं तो फिर विभाग की कार्रवाई के लिए मैं रिकमेंडेशन दूंगा। पहले भी तो कितने लोग लापरवाही थी, चेतावनी के लिए सब लोगों का बार बार चेतावनी देने का टाइम नहीं। आप लोगों का सिंसियरली आपकी जगह पर काम करो, मेरा काम कोई फुर्सत नहीं, मीटिंग कभी भी नहीं बुलाता हूँ, ये भी मीटिंग पसंद नहीं करता हूँ, बट प्रोग्रेस देखना मेरा जिम्मेदारी है, इसलिए मैं करूँ। आप अपने लेवल से करो ताकि आप लोग किसी का अच्छा ऑफिसर हैं, आप लोग सक्षम हैं डिलीट करने के लिए।